एक बार फिर से स्वागत है आपका वर्चुअल बीबीएस 2020 के तीसरे दिन में। और मैं आशा करता हूं आपने पिछले दो दिनों में बहुत आनंद किया होगा, आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा, बहुत सारी नई चीजों को आप लोगों ने सीखा होगा, जिसमें नए गाने, नई कहानी, नए मेमोरी वचन और नए क्रियाकलाप। आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हम लोग लेकर के आए हैं नई कहानी, नए गाने और नए नए क्रियाकलाप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इन नए क्रियाकलापों को और इस नई कहानी को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हमारे नए गाने को, तीसरे दिन के गाने को सुनने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। ओके, तो क्यों ना हम लोग आज का दिन शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें समझ दे, ताकि हम लोग कहानी को अच्छे से सुन सकें, गाने को अच्छे से सीख सकें और हम लोग नए क्रियाकलापों के द्वारा अद्भुत रीति से काम कर सकें। आए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक और तीसरे दिन के लिए। प्रभु, आज का जो ये तीसरा दिन है, प्रभु जी, हमारे लिए अलग होने पाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के इस दिन में प्रभु जी तू हमें नई चीजों को सिखाने में मदद कर। प्रभु, तू आज इन नई चीजों को करने में तू हमें मदद कर। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तीसरे दिन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाली कहानी परमेश्वर पिता तेरी ओर से हो। प्रभु, आने वाले गाने प्रभु जी सब कुछ हम सीखने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। जो नए क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा नई चीजों को सीखने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं और आज के दिन को, एक्टिविटी को, हमारे शिक्षकों को और हर एक चीजों को साथ में रखते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आज के इस दिन में बहुत आनंद करेंगे। आप सब लोग आज का दिन को अच्छे से आनंद करें, आनंद के साथ में आज का दिन को मनाएं और आप सब लोग इस दिन में बस कुछ भी नया सीखें जिसके द्वारा परमेश्वर की। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल के वर्चुअल वीबीएस का जो मुख्य विषय है वो है राजदूत, है ना। जैसे कि अभी हमने बीते दो दिनों में अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से सॉन्ग किए, मेमोरी वर्स सीखे, बहुत एंजॉय किया, बहुत आनंद किया हमने। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार कि पहले दिन का मुख्य विषय क्या था, वो था ईश्वरीय संबंध, प्रभु को जाने। और दूसरे दिन का क्या था, सही प्राथमिकता प्रभु को पहले रखते हुए। तो आइए आज फिर से हम तीसरे दिन में जो आप पहुंचे हैं उसका भी हम मुख्य विषय आपको बताने वाले हैं और उसमें भी हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो आज का जो मुख्य विषय है वो है कोई समझौता नहीं उसके वचन को मानना। आज का जो मुख्य विषय है कोई समझौता नहीं उसके वचन को मानना। तो आइए हम सीखेंगे गानों के द्वारा, वचनों के द्वारा और भी जो हम क्रियाएं करने वाले हैं आज के इस दिन भर में वीबीएस के लिए, वो तो हम सब सीखने वाले हैं। तो आइए हम सब सीखेंगे। दिन तीन, कोई समझौता नहीं उसके वचन को मानना। अरे भैया, दो दिन में तो बहुत मजा आया, आओ एक बार फिर से दो दिन का गाना करवा दो। हम लोग दो दिन के एक्शन सॉन्ग करते हैं और एक्शन सॉन्ग हम लोग आज दूसरा दिन का एक्शन सॉन्ग हम लोग करेंगे, है ना। सब लोग मिलकर के पहले दूसरे दिन का एक्शन सॉन्ग करते हैं, फिर हम लोग तीसरे दिन का एक्शन सॉन्ग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम दूसरे दिन का करें एक बार, आओ हम सब लोग मिल करके एक बार दूसरे दिन का हम लोग करते हैं, करें दूसरे दिन का, चलो दूसरे दिन का करते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो।
पूरी हो, मेरी नहीं कभी मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ओ मैं तीसरा दिन में भी बीबीएस में आ गया भाई, दो दिन का गाने में बहुत मजा आया। और तीसरा दिन का गाना भी बजाओ यार, बजाओ बजाओ, और तीसरा दिन का गाना भी सिखाओ। सतीश सर, सतीश सर, सर तीसरा दिन का गाना भी बजा दो, अब बजा दो तीसरा दिन का गाना, मैं सीखूंगा। बच्चों आओ तुम भी मेरे साथ में और सर के साथ में तीसरा दिन का गाना सीखो, ठीक है? हम सब लोग मिलके एक साथ में इसको पहले सुनेंगे, फिर इसको सीखेंगे, फिर इस पे हम एक्शन करेंगे। ओ मजा आ गया, मजा। आओ प्यारे बच्चों, हम लोग तीसरे दिन का गाना सीखते हैं। सीखने से पहले हम लोग इसको पहले सुनेंगे। सुनना बहुत जरूरी है, पहले एक बार गाना को सुनेंगे, फिर हम इसको एक्शन को देखेंगे, और फिर हम सब लोग मिल करके इसको साथ में करेंगे। आप लोग करोगे मेरे साथ? करोगे? करोगे? आओ तीसरे दिन का गाना पहले हम सुनते हैं। आप सब लोग इसको ध्यान से सुनें और इसको सीखें। सच्ची है ये कहानी, बुद्धिमान ज्ञानी वही जो जानता कि यीशु मसीह में आजादी। बन सका कि सूरज नहीं तो क्या हुआ, एक जलता हुआ दिया बनके तू राधिका, अंधेरे में तू बन जा उजाला। भटके हुओं को राधिका, गिरने नहीं देना उन्हें, अधर्मी है जो से कहो कि यीशु है दाता महान। तारों सा बना आसमां में करके विश्वास, आकर के विश्वास। बहुत मजा आ गया, अगर एक बार फिर से हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा। एक बार और करवाओ ना, एक बार और, प्लीज प्लीज, हम लोग एक बार और करेंगे, हम एक बार और गाना गाएंगे, एक बार और गाना गाएंगे, एक बार और गाना गाएंगे। एक बार करवा दो सर प्लीज, कृपा होगी सर प्लीज, कृपया करके एक बार और करवा दो। सच्ची है ये कहानी, बुद्धिमान ज्ञानी वही जो जानता कि यीशु मसीह में आजादी। बन सका कि सूरज नहीं तो क्या हुआ, एक जलता हुआ दिया बनके तू राधिका, अंधेरे में तू बन जा उजाला। भटके हुओं को राधिका, गिरने नहीं देना उन्हें, अधर्मी है जो से कहो कि यीशु है।
भैया भैया दो दिन की कहानी में तो बहुत मजा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा दो दिन की कहानियों से। आज मुझे तीसरे दिन की कहानी भी सुननी है, आप मुझे तीसरे दिन की कहानी सुना दो। तीसरे दिन की कहानी मैं सुनने के लिए और बहुत उत्साहित हूँ। और दूसरे दिन की कहानी आओ हम सुनेंगे, सारे के सारे सुनेंगे तीसरे दिन की कहानी। मेरा नाम है दीपिका और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तीसरे दिन की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे और बहुत खुश होंगे। दानियल के विषय में, दानियल था एक नबूकदनेस्सर के समय का एक ही बहुत ताकतवर जवान और वो साथ में एक भविष्यवक्ता भी था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि दानियल के विषय में वो क्या था, कैसा था और उसने क्या क्या किया है ना, एक स्टोरी के साथ में से, कहानी के साथ में से सुनेंगे। ठीक है, तो दानियल था वो एक राजा के साथ कार्य कर रहा था। ठीक है ना, और उसके साथ जो थे दो लोग और उसके जो सहकर्मी होते हैं वो उसके साथ में थे, तो कुल मिला के कार्य करते थे तीन लोग। तो जो राजा था उसने सोचा कि मैं अपने राज्य के लिए 120 क्या करूंगा कार्य संभालने वाले लोगों को चुनूंगा। ठीक है, और फिर उनके ऊपर उन तीन अध्यक्ष जो उसने बनाए थे जिनमें से कि दानियल भी एक था, उसने उनको उसके उनके ऊपर अधिकारी चुना कि ये लोग सब मेरे कार्य को देखेंगे तो फिर मेरे राज्य को कुछ भी हानि और कुछ भी परेशानी नहीं होगी और मेरे राज्य को लाभ मिलेगा। जो कार्य वो करेंगे वो सब क्या करेगा, वो दानियल और उसके जो सहकर्मी है वो सब लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो जो राजा था वो दानियल से बहुत खुश था, उसके कार्य को देख के बहुत खुश था। वो देखता था कि राजा देखता था कि दानियल के अंदर कुछ भी गलती नहीं है, वो कुछ जो भी कार्य करता है वो बहुत अच्छा करता है, बहुत सही करता है ना। और जो उसके साथ थे, जो उसके दो सहकर्मी थे, वो दानियल को देख के क्या हो गए, जलने लगे। वो उसके साथ क्या करने लगे, उसको नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। वो सोचने लगे कि हम राजा के पास जाएंगे और दानियल कुछ ऐसी गलतियां ढूंढेंगे कि दानियल राजा क्या करे, दानियल को कुछ सजा दे और ये कहे कि तुम अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो। लेकिन जब वो उसको देखने लगे तो क्या हुआ कि उन्होंने कुछ भी गलती दानियल के अंदर नहीं पाई, क्योंकि दानियल जो करता था बहुत ही अच्छे से और बहुत ही समझदारी से हर एक कार्य वो कर रहा था। और फिर क्या हुआ, एक बार जो दो सहकर्मी थे उन्होंने क्या किया, एक चाल चली, एक षड्यंत्र रचा कि हम क्या करेंगे, दानियल के खिलाफ कुछ न कुछ तो हम ऐसा करेंगे कि वो क्या हो जाए, राजा की नजरों में गिर जाए, है ना। और उन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र ऐसा रचा कि वो सोचने लगे कि दानियल के अंदर क्या कमी हम ढूंढे। दानियल के अंदर एक चीज थी कि वो क्या करता था, परमेश्वर से दिन में तीन बार प्रार्थना करता था, और वो हमेशा कभी खुले में नहीं प्रार्थना करता था, वो हमेशा एक बंद कमरे में जाके अपनी खिड़की खोल के उस तरह बैठ के वो प्रार्थना किया करता था। तो राजा ने तो जो दो सहकर्मी थे वो राजा के पास गए और राजा से कहा कि राजा आप एक ऐसा फरमान जारी करो कि जो सब लोग तेरे राज्य के हैं वो सिर्फ तेरी उपासना करें और सिर्फ तेरे सामने झुकें और किसी की भी वो उपासना ना करें, किसी की भी पूजा वो ना करें। और राजा ने क्या किया, ऐसा फरमान जारी कर दिया है ना, उसने क्या कर दिया, साइन कर दिया फरमान में और सबको ये अधिकार या आदेश दे दिया गया कि क्या होगा, सब लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजा की ही उपासना करेंगे और किसी की नहीं। और जब दानियल को ये बात पता चली तो दानियल मन ही मन बहुत दुखी हुआ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने परमेश्वर के अलावा और किसी की भी पूजा नहीं करूंगा या फिर किसी के आगे नहीं झुकूंगा। और जब ये सब लोग परमेश्वर को छोड़ के राजा की जब उपासना करने लगे तो दानियल चुपचाप से गया, उसने फिर से अपना दरवाजा खोला, अपने कमरे में गया, अपनी खिड़कियां खोली और क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जो दो सहकर्मी जो दानियल के साथ कार्य करते थे वो इसी बात को चाहते थे कि वो क्या करे, दानियल को पकड़े किसी न गलती में, और उन्होंने दानियल को वो चीज करते हुए प्रार्थना करते हुए क्या कर दिया, पकड़ लिया। और जब उन्होंने राजा को दानियल को पकड़ लिया तो फिर राजा के पास गए और राजा से कहा कि राजा देख सबने क्या किया, तेरा कहना माना, तेरी उपासना की, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जो दानियल है जो तेरा बहुत प्रिय है वो क्या कर रहा है, तेरी उपासना को छोड़ के अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो राजा ने ये सुन के क्या हुआ, राजा को दुख तो हुआ क्योंकि वो राजा का प्रिय था और ये जानता था कि वो जिसकी उपासना करता है वो जीवित परमेश्वर है ना। लेकिन जो राजा ने फरमान जारी किया था वो उसके सामने राजा को झुकना पड़ा। राजा ने बहुत कोशिश की कि वो दानियल को बचा ले सजा देने से, लेकिन राजा ऐसा नहीं कर पाया। और सजा जानते हो क्या थी, सजा ये थी कि जो राजा का कहना नहीं मानेगा वो क्या हो जाएगा, शेरों की मान में या शेरों की गुफा में
डाल दिया जाएगा। और राजा को वैसा ही फिर करना पड़ा। राजा को ऐसा करना पड़ा कि राजा ने फिर जो गलती दानियल ने की थी उसकी उपासना ना करके वो क्या कर दिया, उसको गलती उसकी जो की थी उसने वो पकड़ ली। और फिर क्या हुआ, राजा को सबके सामने उसको दानियल को क्या करना पड़ा, शेरों की मान में और शेरों की गुफा में उसे डालना पड़ा। और जब उसको डाल दिया गया, दानियल को जब गुफा में डाल दिया गया, शेरों के पास डाल दिया गया, तो क्या कर दिया गया, फिर बाहर से एक बहुत बड़ा पत्थर उसमें लगा दिया गया और बाहर से जो राजा की और राजा के मंत्री होते हैं सबकी जो अंगूठियां होती थी उसकी उस वक्त में क्या लगाई जाती थी, मोहर लगाई जाती थी। तो सारी मोहर क्या गई, पत्थर में लगा दी गई कि ये अब सील हो गया है, इसमें राजा का आदेश है और अब ये इसके अंदर ही रहेगा। और पूरी रात बीत गई, राजा नहीं सो पाया क्योंकि राजा का प्रिय था दानियल, क्योंकि सारे कार्य क्या करता था, बहुत ही अच्छे से करता था। राजा को बहुत दुख था कि मैंने ऐसी गलती कर दी है। राजा रात भर नहीं सोया, राजा बहुत दुखी था रात भर। और जब सुबह हुई तो राजा दौड़ते हुए गया कहाँ, गुफा के पास जहाँ पे दानियल को डाला गया था। और राजा बाहर से पुकारता है दानियल को, दानियल हे दानियल क्या तू जीवित है? तो दानियल ने पता है क्या बोला अंदर से, हाँ राजा मैं जीवित हूँ। तो राजा को मन ही मन बहुत खुशी हुई कि क्या है, दानियल खूब जिंदा है, वो एकदम सही है और सलामत है। फिर राजा ने आदेश दिया अपने कर्मचारियों को कि क्या करो, इस पत्थर को हटाओ यहाँ से और दानियल को बाहर निकालो। जब दानियल को बाहर निकाला गया तो दानियल के शरीर में एक भी खरोच नहीं थी, वो एकदम सही सलामत जैसा उसको डाला गया था वैसे उसको बाहर भी निकाला गया। और जब वो बाहर निकाला गया तो राजा को विश्वास हो गया कि सच में इसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जिसने इसको बचा लिया है शेरों से। पूरी रात वो जो शेरों के साथ रहा उसको उसके परमेश्वर ने जीवित बाहर निकाल दिया है। और जब राजा ने उसको सही सलामत देखा तो जब राजा को पता चला कि इन लोगों ने क्या किया था, जो उसके सहकर्मी थे उसको जब पता चला तो उसको ये पता चला कि इन लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ क्या किया, चाले चली, इसको गिराने की कोशिश की, इसकी जानबूझ के इस पे गलतियां निकाली। तो राजा को ये बात पता चली तो राजा ने क्या किया, राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा को बहुत क्रोध आया। और राजा ने क्या किया, उन दो सहकर्मियों के साथ उनके बच्चों को और उनकी पत्नियों को भी क्या कर दिया, उस गुफा में डालने का आदेश दे दिया। और जब वो उस गुफा में डाल दिए गए तो शेरों ने, जब तक वो नीचे भी ना पहुंचे थे, शेरों ने क्या कर दिया, उनपे झपटा मार के उनको क्या कर दिया, खा गए, उनकी हड्डियां तक खा गए वो लोग, वो इतने भूखे शेर थे। और जब वो वहां डाले गए तो वो उनको पूरे के पूरे चबा गए। और फिर राजा ने पता क्या किया, राजा ने कहा कि जहां जहां मेरा राज्य है, जहां जहां मेरा कार्य चलता है, वहां वहां के सभी लोग क्या करेंगे, जिसकी उपासना ये दानियल करता है, जिसकी उपासना जीवित परमेश्वर का ये जो दास करता है, ये सब तुम सब क्या करोगे, इसकी उपासना करोगे, इसके परमेश्वर की उपासना करोगे जिसकी उपासना की ये दानियल करता है ना। तो हम इस कहानी से ये देखते हैं बच्चों कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परेशानियां आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति हमेशा आज्ञाकारी होना है। जैसे हमने दानियल को देखा कि दानियल के जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आई, वो मरने पर था, उसको शेर खाने पर थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपने विश्वास को नहीं त्यागा और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं त्यागा। उसने जो 3 बार प्रार्थना करता था दिन में, उसने वो प्रार्थना जारी रखी और वो प्रार्थना करता गया और लास्ट में परमेश्वर ने उसको शेरों के मुंह से भी बचाया है ना। तो हम इस वचन इस कहानी से ये देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के साथ में बने रहना है और अपनी कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति हमें आज्ञाकारी होना है। जब परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे तो परमेश्वर हमें हर एक कठिन परिस्थिति में भी हमारे साथ में रहेगा और हमारे साथ देगा। कुछ पत्र आए हैं तो आइए हम उन पत्र को देखते हैं, वो कहां से आए हैं। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ इस पत्र के अंदर। अरे इसके अंदर तो ढेर सारे पत्र हैं, तो चलो मैं एक एक करके निकालता हूँ। इन पत्र के अंदर ऐसा क्या कुछ खास है? अरे इसके अंदर तो 4 पत्र आए हैं, चलो एक एक पत्र में देखते हैं ऐसा क्या कुछ खास है इन पत्रों के अंदर, हम जरा देखते हैं। तो पत्र 1 में हम देखेंगे, इसको जरा खोलते हैं, हम देखते हैं। अरे इसके अंदर ये क्या हो सकता है? अरे बच्चों आप कुछ देख सकते हो क्या लिखा है ये पत्र में? लिखा है, पहले पत्र में लिखा है, हमारा परमेश्वर
जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए, तो ये पहले पत्र में ऐसा लिखा है। ठीक है बच्चों, पढ़ सकते हो, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए। बच्चों क्या आपको पता है कि हम दूसरे पत्र को देखने से पहले कि पहले पत्र में क्या था, क्या था? अच्छा वो क्या था, वो ये था, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए। तो आइए अब हम दूसरे पत्र में भी देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो आइए मैं जरा दूसरे पत्र को भी खोलता हूँ और इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही खास आया है, तो हम देखेंगे इसके अंदर भी क्या लिखा है। और इसमें लिखा, भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे। अच्छा तो इस पत्र में ये लिखा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे, भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे। अरे ये दूसरा पत्र तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। चलो अब हम तीसरे पत्र की ओर बढ़ते हैं। अब मैं तीसरा पत्र खोलने जा रहा हूँ, मगर उसके पहले क्या, दूसरा पत्र एक बार फिर से दोहराना होगा। वो दूसरा पत्र क्या है, भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे। तो आइए अब हम इस तीसरे पत्र को खोलते हैं, इसके अंदर ऐसा खास क्या है जो कि दूसरे पत्र में था तो इसमें भी क्या है? दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है, हाथ से भी छुड़ा सकता है, हे राजा तुझे मालूम हो कि वे हम लोग तेरे देवता। हाथ से भी छुड़ा सकता है, हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता। अरे इसमें तो कुछ अलग सा ही लिखा है, एक बार फिर से हम इसको पढ़ना चाहेंगे, हाथ से भी छुड़ा सकता है, हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता। अब हम देखेंगे चौथे पत्र में क्या कुछ है, मगर उसके पहले क्या करना होगा, जो तीसरा पत्र अभी अभी हमने पढ़ा था उसको एक बार फिर से दोहराएंगे, दोहराएंगे ना, हाथ से भी छुड़ा सकता है, हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता। तो आइए अभी हम इस चौथे लेटर को भी खोलकर देखते हैं। अरे इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही पत्र है, देखते हैं इसके अंदर ऐसा खास क्या है। आप देख सकते हो, देख सकते हो कि उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। क्या लिखा है एक बार फिर से, कि उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। अरे मगर ये तो हमने पता ही नहीं किया, ये इतने सारे पत्र आए कहां से होंगे। तो चलो वो जो मेरे पास में पत्र का एक वो जो लिफाफा है उसके अंदर ऐसा लिखा है, कहां से, आप देख सकते हैं ना कहां से, तो चलो मैं इसको इसके अंदर भी देखता हूँ। अरे हाँ इसके अंदर सचमुच में कुछ तो है, देखते हैं क्या है। दिखाई दिया, ये पता कहाँ का है, ये पता है दानियल तीसरा अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। एक बार फिर से ये पता जानना चाहोगे कि ये पत्र कहाँ से आए, ये पत्र आए हैं दानियल तीसरा अध्याय 17 और उसका 18 वचन। तो प्यारे बच्चों प्रभु आपको इस वचन पर बहुत सारी आशीष दे। आज का तीसरे दिन का ये मेमोरी वचन को हम एक बार फिर से साथ में दोहराएंगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें
तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। दानियल 3:17-18। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि जो अभी हमने तीसरे दिन का वचन सीखा, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लिया होगा और उसी वचन के अनुसार आप अपना जीवन भी जीना चाहोगे। इस वचन के द्वारा मैं आपको आज यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है, मगर कभी भी हमें परमेश्वर के विरुद्ध किसी चीज के साथ जो परमेश्वर के विरुद्ध में लेकर जाती हो उनसे समझौता नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करना है और उस महान परमेश्वर की महिमा को करना है। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। हमने 2 दिन पेपरों के क्रियाकलाप किए और आज हम तीसरे दिन का क्रियाकलाप भी करने के लिए जाएंगे। मुझे तो कहानी सुनने में बहुत मजा आया और कल मैंने जो क्रियाकलाप किया था उसमें भी मुझे बहुत मजा आया और अब मैं तीसरे दिन का क्रियाकलाप के लिए जाने वाला हूँ। आप मेरे साथ में चलेंगे? चलो क्रियाकलाप करते हैं, हम अपने मैडम के साथ अपने टीचर के साथ में क्रियाकलाप के लिए सीखेंगे। स्वागत है आपका तीसरे दिन में। तो आज हम तीसरे दिन में हम आपके लिए पेपर वर्क एक्टिविटी लेके आए हैं। क्या आप सब तैयार हो इस पेपर के एक्टिविटी करने के लिए? तो मेरे पास एक फिर से सेम ऐसा पेपर है लेकिन आज दूसरा कलर है। तो हम इसका कुछ बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही सरप्राइज है। तो सरप्राइज सबको पसंद है? यस, मेरे को भी जब कभी कभी कोई सरप्राइज देता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, मैं आपके लिए इस पेपर के द्वारा सरप्राइज लेकर के आई हूँ। तो आप सब तैयार हो? ठीक है, तो हम इस पेपर को नीचे रखेंगे और इसका कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। ये पेपर हमारा है, ये पेपर भी सेम लंबा वाला पेपर है लेकिन हमें इस पेपर को चौरस बनाना है। तो मैंने ये येलो पेपर लिया है। आप अपने घरों में कोई भी कलर का पेपर, व्हाइट कलर का पेपर, कोई भी कलर का पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लॉकडाउन का समय है, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित रह करके इस एक्टिविटी का, इस पेपर वर्क का मजा उठाए। और आइए हम इसको शुरू करते हैं। हमारे पास एक येलो कलर का पेपर है जो कि एक लंबे साइज में है और हमें एक इसको चौरस साइज में बनाना है। तो सेम जैसे मैंने पहले की क्राफ्ट वर्क में, पेपर वर्क में बताया है कि इसको चौरस करना है। तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर करके चौरस कर लेंगे, फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको जब हमने ऐसे फोल्ड कर दिया तो इसका जो एक्स्ट्रा है हम इसको काट देंगे। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा कटा है तो हम कैंची की मदद से इसको सीधा काटने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा वन हम इसको काट देंगे कैंची की मदद से। तो ये देखो हमारा ये त्रिकोण बन गया है। इस जब ये त्रिकोण बन गया है तो इसको अपनी तरफ से लेंगे और ये हमने ऐसे सीधा रखा है पेपर को। फिर हम इस पेपर को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और दूसरे पेपर को भी सेम ऐसे ही हम फोल्ड करेंगे। एकदम लेटर जैसी शेप बन गई है इसकी, लेकिन हम कुछ क्या बोल रहे हैं, सरप्राइज है। तो इसको हम ऐसे बिल्कुल ऊपर को सेम फोल्ड करेंगे। फिर ये वाले को भी हम ऐसे सेम ऊपर को फोल्ड करेंगे।
इसको करने के बाद ये जो सेंटर बिंदु है बिल्कुल बीच में आना चाहिए, नहीं तो हमारा सरप्राइज खराब हो सकता है। ऐसे हमने ऐसे इसको दोबारा से फोल्ड कर लिया है, फिर इसको फिर से ऊपर को फोल्ड करना है। कैसे करना? ऊपर को फोल्ड करना है, इस साइड को भी सेम ऐसे फोल्ड करना है। इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको सेम हमने ऐसे ऐसे फोल्ड किया है, फिर इसको भी हमने ऐसे फोल्ड किया है। ऐसे फोल्ड करने के बाद जो इधर का इस साइड में है और इस साइड में है, इसको ऐसे टर्न कर देंगे, फिर इसको ऐसे टर्न कर देंगे। इसको करने के बाद इसको हम खोलेंगे। इसको जब हमने ऐसे खोल दिया है, आराम से खोलेंगे, जो इसकी ऐसी वाली शेप है इसको ऐसे करेंगे ताकि ये त्रिकोण शेप में बन जाए, और इसको ऐसे करके बीच को फोल्ड करेंगे। सेम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, इस साइड में इसको ऐसे और इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे ऐसे करके इसको रख देंगे, फिर इसको इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस साइड को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे, फिर इसको सेम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको सेम ऐसे टू फोल्ड कर। ऐसे इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और फिर इसे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, फिर थोड़ा इसकी सेटिंग को ठीक करेंगे। ये देखो ये लिप्स बनके तैयार हो गया है, ये मुंह खोल रहा है और बंद कर रहा है। तो ये सेम पेपर है इसलिए थोड़ा विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है। तो आप जब भी यूज करोगे तो ऐसा पेपर यूज करना जो कि दिखे और दूसरी साइड ना दिखे। तो इसमें हम कलर कर सकते हैं, तो कलर में हम मेरे पास है ब्लैक कलर, तो हम इसके ब्लैक होल बना देंगे ताकि वोट दिखे। ऐसे करके आप कोई भी कलर, पिंक कलर, रेड कलर, कोई भी कलर डाल सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। बिल्कुल अच्छे से शेप बनाएंगे, अच्छे से कलर कर देंगे ताकि जब हम
लिपसिंग करें या बातें करें तो पता चलना चाहिए कि हम बोल रहे हैं हमारे होठ। ठीक है, हम नीचे वाले होठ को भी कलर करेंगे। हमेशा ऊपर वाला होठ थोड़ा पतला होता है और नीचे वाला होठ थोड़ा सा मोटा होता है। ये हमारे होठ तैयार हो गए। तो ये देखते हैं कि हम हमारे होठ बातें कर रहे हैं। कर रहे बातें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे और भी मैंने बना रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में। इतना ये भी देखो, ये देखो होठ बने हैं। और ये सिंपल पेपर का मैंने कलर किया है और इसको अपने घर में कलर कर सकते हैं। और देखो ये होठ लिपसिंग कर रहा है, बातें कर रहा है। बच्चे लोगों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये पेपर वर्क बहुत पसंद आया होगा। और जैसा कि हम लोगों को बताया गया कि हम लोगों को होठ बनाना हमने आज सरप्राइज में सीखा है। ये होठ, ये वो दानियल के होठ हो सकते हैं जो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करते हैं। आज हमारे पास भी हमारे होठ हैं। क्या हमारे होठ परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हमारे होठ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जब कभी ऐसे होठों को आप बनाइए, इन होठों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जो होठ बनाना आपने सीखे हैं, इन होठों के द्वारा आप अपने घर में अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, आप लोग दानियल की कहानी भी उनको सुना सकते हैं। ये वो होठ हैं जो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। ये वो होठ हैं जो दानियल के हो सकते थे। ये वो होठ हैं जिनके द्वारा हम बहुत सारी कहानियों को सुनते हैं और सुनाते हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये कहानी और आज का आपको ये पेपर वर्क, पेपर का कार्य, कागज का कार्य बहुत पसंद आया होगा। बच्चों, मैं समझ सकता हूं आप सब लोग घर में हैं, अपने अपने घरों में हैं। बहुत सारी चीजें लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को प्राप्त नहीं हो रही हैं, पर लेकिन आपके पास में जो कुछ है, जो भी पेपर घर में है, आप उन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सब चीजों को आप लोग बना सकते हैं जो हमने पहले दिन में सीखा, दूसरे दिन में सीखा और आज हमने तीसरे दिन में भी इन चीजों को सीखा। हम लोग बच्चों ऐसी बने रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ VBS मिनिस्ट्रीज बेंगलोर के साथ में और इस वर्चुअल VBS का आप भरपूर फायदा उठाइए। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं कल चौथे दिन में। आज का जो तीसरा दिन था, आज का तीसरे दिन का जो मुख्य विषय था, वो विषय था कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं और उसके वचन को मानना। हम सबको परमेश्वर का वचन मानना चाहिए, जैसे दानियल ने माना। पता, दानियल ने कोई समझौता नहीं किया। हमें भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए और परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए। परमेश्वर के वचन को मानना बहुत जरूरी है। कोई समझौता नहीं लाइफ में, हमारे जीवन में कोई समझौता नहीं होना चाहिए परमेश्वर को लेके। हम परमेश्वर से जब प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमें कोई समझौता उसके लिए नहीं करना चाहिए। सच्ची है कहानी।
बुद्धिमान ज्ञानी वही जो जानता कि यीशु मसीह ने आजादी बन सका कि सूरज नहीं तो क्या हुआ एक जलता हुआ दिया बनके तू राधिका अंधेरे में तू बन जा उजाला भटके हुओं को राधिका गिरने नहीं देना उन्हें अधर्मी है जो से कहो कि यीशु है दाता महान तारों सा बना आसमां में करके विश्वास आकर के विश्वास मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दिन में आप लोगों ने बहुत आनंद किया होगा। आज का दिन आप लोगों ने अद्भुत रीति से नई चीजों को सीखा होगा। आज का जो नया जो गाना था उसमें आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा और खूब आप लोगों ने डांस किया होगा। और मैं आशा करता हूं आप सब लोगों से कि आपने इस तीसरे दिन का भरपूर आनंद लिया होगा। और आज का जो कहानी थी, आज की जो कहानी थी वो कहानी थी दानियल की और इस कहानी में आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा। लेकिन जल्दी से मैं तीन चीजों को आप लोगों को बताना चाहूंगा दानियल के बारे में। जो दानियल था उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी वो था परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति लगाव। परमेश्वर से उसने बहुत तक प्रेम किया कि वो दिन में बहुत बार दिन में प्रार्थना किया करता था। वो दिन में तीन बार प्रार्थना करता था। एक दानियल दिन में तीन बार प्रार्थना करता था, इतना उसका परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति उसका लगाव था। और दूसरी चीज जो थी उसके अंदर वो ये थी कि वो परमेश्वर के प्रति वो समझौता नहीं किया। हमने जैसा कहानी में देखा कि उसने परमेश्वर के साथ में कोई समझौता नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध में उसने कोई समझौता नहीं किया, राजा के साथ में कोई समझौता नहीं किया। राजा चाहता था कि उसको दंडवत किया जाए, राजा के जो निर्देश थे उसके लिए दंडवत किया जाए, पर लेकिन दानियल ने दंडवत नहीं किया। उसने परमेश्वर के साथ में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए हो झुका, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के उसने दंडवत किया, सिर्फ और सिर्फ उसने परमेश्वर के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की। और जो तीसरी चीज वो था उसका विश्वास। उसको शेरों की मांग में डाल दिया गया और फिर भी वो वहां कैसा रहा, सलामत रहा, ये था उसका विश्वास। उसको पता था कि मैं जाऊं तो भी मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। बच्चों, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में है, लेकिन सिर्फ जरूरत है किस चीज की, उसके ऊपर विश्वास करने की, उसके ऊपर परमेश्वर उसके ऊपर क्या करने का, प्रेम करने की, उसके ऊपर परमेश्वर के जो विरुद्ध में, जो परमेश्वर के अलावा किसी भी चीज के साथ समझौता ना करने की। हम किसी भी चीजों के लिए समझौता ना करें। आज का जो तीसरा दिन है, तीसरा दिन लेकर के आया है आप लोगों के लिए कि हम परमेश्वर के साथ में किसी और चीज को लेकर के समझौता ना करें। आइए हम लोग धन्यवाद करें परमेश्वर का आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं हमारे गाने के लिए, हमारी कहानी के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए जिन्होंने हमें सिखाया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी हम नए गाने सीख पाए, नई कहानी को सुन पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु होने दे कि तो हमें भी दानियल जैसा बना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो हमें दानियल के जैसा तू हमें स्ट्रॉन्ग कर, दानियल के जैसा तू हमें मजबूत कर, दानियल के जैसा तू हमें दृढ़ कर, दानियल के जैसा तू हमें इंसान बना। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद करते प्रभु जी, वह फिर से धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, जाने से पहले, बाय बोलने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आज तीसरा दिन हुआ है, हम लोग कल फिर मिलेंगे चौथे दिन में। तब तक बने रहिए VBS मिनिस्ट्रीज बैंगलोर के साथ। बाय बाय।